ओके वॉइस आ रही है सभी को? चलिए अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस टाइप करें सभी फ्रेंड्स हमारे। वॉइस आ रही है सभी को? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए थोड़ी देरी हो गई 2 मिनट की, क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, हाँ उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बिल्कुल पसंद आएगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट लिए हैं, रीट के क्वेश्चन हैं, पेपर 2, पेपर 1, सुपर टेट के भी मैंने लिए हैं, तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो कोई भी परेशान नहीं होगा, लगातार आंसर करना है सभी को। और एक बार प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। ओके चलिए, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से सभी वाकिफ हैं, चैनल से जो नहीं है, चैनल पर नए हैं तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा ऐप भी है बच्चों, सेल्फ स्टडी क्लासेस करके, ठीक है, ऐप को आप इंस्टॉल जरूर करें क्योंकि बहुत अच्छा ऐप है। इसमें आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा हो, सुपर टेट की कर रहा हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, संपूर्ण हिंदी, चाहे व्याकरण हो चाहे साहित्य का हो, तो कोर्स आप एक बार जरूर प्ले स्टोर पर जाकर के इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें बहुत सारे मॉडल पेपर भी है, ठीक है, हाँ, तो आप एक बार जाकर के ओपन करेंगे तो बिल्कुल आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। ठीक, ओके चलिए, तो हाँ सेल्फ स्टडी के अगर आप यहाँ पर फेसबुक में भी जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना बच्चों, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको क्लासेस का नहीं मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को एक बार याद करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन सही हो। ठीक है चलिए, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको टाइमर सेट मिलेगा 20 सेकंड का, हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, एक तरह से आपका आज टेस्ट है हिंदी का। ओके चलिए, तो टाइमर ये स्टार्ट होता है और आप आंसर करिए, ये रहा आपका टाइमर। ओके चलिए, तो टाइम्स अप हो चुका है, अब टाइम बिल्कुल किसी को नहीं मिलेगा, है ना। हाँ तो बताइए, एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है? कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना, सुर में सुर मिलाना। हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, एक ही बात, जब कहते हैं कि यार तू वही वही बात लेकर के बैठा हुआ है ना, तो क्या कहते हैं इसको, एक ही बात को बार बार कहना, ऑप्शन बी हमारा क्लियर हो जाता है। ओके सब कुछ क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए 20 सेकंड आपको टाइम मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में, क्लास को शेयर जरूर करना बच्चों ताकि आपके साथी भी जुड़ पाए। ओके चलिए, तो टाइम सब हो चुका है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है आपको जिसमें कोई त्रुटि है, बताना के द्वारा, सॉरी शायद इसका सेंटेंस लिखा नहीं है, इसका सेंटेंस लिखा ही नहीं गया बच्चों, तो इसलिए सो सॉरी इस सवाल के लिए। ठीक है,
हाँ चलिए, इस सवाल के स्थान में हम आपको एक सवाल जरूर दे देते हैं। कौन सा सवाल? कि आपको बताना है यहां पर कि बीचों बीच में कौन सा समास है, आपको कमेंट करके जल्दी बताना है बीचों बीच में कौन सा समास है। ऑप्शन ले लीजिए, द्वंद समास, तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर जल्दी से बताइए, बीचों बीच में कौन सा समास है? द्वंद है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव समास, इनमें से कोई नहीं। वेल डन, शाबाश, हमारे बच्चे मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। मैम मैंने टाइप नहीं कर पा रही हूं। अच्छा कोई बात नहीं कविता, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो हमारा ऑप्शन जो जाता है, हाँ मैं समझ गई थी, ये शब्द आप लोग जैसे हलंत देखते हो वैसे ही आप क्या आंसर कर दोगे, द्वंद समास कर दोगे, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना था। ठीक है, ये द्वंद समास नहीं है बच्चों, ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो या फिर पहला पद अव्यय हो या फिर पहला पद उपसर्ग हो, वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो क्लियर हुआ सभी को? हाँ, तो ये हमारा राइट ऑप्शन जाएगा अव्ययी भाव समास को। आज आपका टेस्ट है तो बिल्कुल टेस्ट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल सभी को बता करके जाना है। चलिए हाँ, तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ये रहा 20 सेकंड आपका। तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बच्चों, अब पूरे मन से पूरी ईमानदारी से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए गजब का आंसर आप सभी का आ रहा है, मतलब बहुत सारा प्यार बहुत सारा स्नेह आप सभी का है। हमका लगा द्वंद होगा, अच्छा आपको जैसा भी लगा अच्छा लगा, है ना, मतलब कि हाँ कहीं ना कहीं आपने प्रयास तो किया, पूरा प्रयास किया। चलिए ऐश्वर्य शब्द का विलोम, हाँ टाइम सॉल्व हो चुका है, इससे पहले हमारे बच्चे बहुत ज्यादा समझदार है, बताइए टाइम से पहले ही आंसर पूरा कर देते हैं। ऐश्वर्य शब्द का विलोम क्या होता है, भक्ति होता है, शक्ति होता है, शान होता है, दरिद्रता, है ना। तो एक शब्द आप हमेशा विलोम, जैसे कहते हैं ना कि यार इसके घर में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं है, मतलब लक्ष्मी की कमी नहीं, बहुत सारा इनकम आ रहा है, तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जहां लक्ष्मी नहीं आएगी उस शब्द को क्या कहेंगे, दरिद्रता ही तो कहेंगे ना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज बिल्कुल 200 के पार, मतलब 300 को टच करना है, ये तो हमारी इच्छा है। अब आपकी क्या इच्छा, चूंकि सब कुछ होना आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, चलिए।